अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखो, जैसा कि आप सबको बताया कि जब से ये डिसाइड किया गया है कि फेब 15 से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, चाहे वो 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, राइट? तो तब से बहुत सारी मैसेज आ रही हैं कि क्या सिलेबस में रिडक्शन होगी। एंड मेन चीज जो है ना, मुझे बहुत सारे बच्चे एक ये आर्टिकल भेज रहे हैं, आप पहले ये पढ़ो। मतलब ये आर्टिकल सीबीएसई के रिगार्डिंग है कि उनका कुछ परसेंट सिलेबस रिड्यूस किया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स आर लाइक कि क्या ये हमारा है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी आर्टिकल आपके पास आता है, मेहरबानी करके उसको अच्छे से पढ़ा करें कि उसमें लिखा क्या है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जाने कि हम जेके बोस से हैं, सीबीएसई इज समथिंग एल्स, जेके बोस इज समथिंग एल्स। ये मैं सभी बच्चों को नहीं बोल रहा, मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ, उनको खुद समझ में आ गया होगा कि ये हमें ही बोल रहा है। तो आगे प्रोसीड करने से पहले आप पहले ये रिजल्ट देखो। देखो, ये है क्लास 10th का बाइनुअल रिजल्ट, मतलब इट इज 34.69%, ओके? एंड क्लास 12th का बाइनुअल रिजल्ट, इट इज अराउंड 52%, राइट? एंड जो क्लास 11th का रिजल्ट है, वो भी अब बहुत ही जल्द आ जाएगा। ये चीज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा एज ऑफ नाउ, ठीक है? देखो, इस चीज में टाइम वेस्ट ना करो कि क्या हमारा सिलेबस रिड्यूस होगा। अगर आप ये ख्यालों में रहोगे ना कि यार 15 फेब से एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे तो क्या सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा। देखो, अगर हम पहले ही 12th की बात करें ना, 12th का फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में एग्जामिनेशन होना था, अगर इसके अकॉर्डिंग होगा तो 15 दिन पहले हो सकता है, ठीक है? तो इट इज लाइक दैट। तो उस वे में सोचो कि नहीं, ये सिलेबस रिड्यूस नहीं करेंगे। अभी तो मैं वही बताऊंगा, एंड जो भी ये आर्टिकल्स आपको आएंगे, फॉर एग्जाम्पल सिलेबस रिडक्शन के बारे में या कुछ भी, तो उन चीजों को कंसिडर ना करें। देखो, जब ऐसी कोई अपडेट होगी ना कि आपका सिलेबस रिड्यूस होगा या कुछ, I will make sure मैं पहला इंसान होगा जो आपको उस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, as usual, जैसे हम ट्राई करते हैं कि हमारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे एंड वो चीजें ऑथेंटिक होती है जो भी हम यहाँ पे आपको बोलते हैं, ठीक है? तो एज ऑफ नाउ कुछ भी ऐसा सीन नहीं है कि आपका सिलेबस रिड्यूस होगा एंड ऑल, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, बस दिमाग में इतना रखो 100% सिलेबस है। एंड बच्चे बोल रहे हैं अभी तो हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है। देखो, सिलेबस आप यहाँ से तो कवर कर रहे हो, लेकिन मेन चीज है जो आपने पढ़ा है ना, वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस चीज का वेट मत करो कि हमारा सिलेबस कवर होगा, सिलेबस को चलने दो जैसे चल रहा है, लेकिन पैरेलली आप जो आपने पढ़ा है ना, जो आपने कंप्लीट किया है ना, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। बिकॉज अब मैं ये बाइनुअल रिजल्ट्स क्यों दिखा रहा था, मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं कोई डरा नहीं रहा। इट्स लाइक, देखो, बाइनुअल में अगर एक बार इंसान जाता है ना, वहां पे देखो कितना खराब रिजल्ट आता है। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो, वहां पे आपको थोड़ा सा टफ पेपर भी मिलता है। तो बेटर इज कि एनुअल रेगुलर के लिए बहुत ही तगड़ी मेहनत करो, ताकि ऐसा कोई कंसेप्ट ही ना रहे कि बाइनुअल एंड ऑल, ठीक है? बाइनुअल को भी साइड में कि कम मार्क्स आएंगे एंड ऑल दैट, ठीक है? तो जो भी है, बस अच्छे से फोकस करो, सिलेबस रिड्यूस नहीं होने वाला। अगर कुछ भी ऐसी अपडेट हो, आई विल लेट यू नो, ठीक है? जो भी ये वीडियो देख रहा है, नीचे कमेंट्स में जरूर बोले कि आपने कितना सिलेबस अभी कवर किया है, एंड क्या आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर ली या नहीं की, ठीक है? एंड बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आप सिर्फ मेडिकल के बारे में बोलते हो या नॉन मेड के बारे में बोलते हो। देखो, मैं ज्यादा कोशिश करता हूं कि मैं इन जनरल वीडियोज बनाऊं। ये वीडियो भी इन जनरल है, सभी स्ट्रीम्स के लिए है, सभी क्लास के लिए है, ठीक है? तो और एक चीज जो मुझे बोलनी है, अगर आपने जेके बोस स्कोर प्रेडिक्शन कंटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसकी लिंक मैं पिनर कमेंट में दे दूंगा, वहां पे जाके उसमें पार्टिसिपेट कर लेना। उसमें जस्ट आपको एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड स्कोर डालना है, बाकी जो पिनर कमेंट लिंक होगी उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है? एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज वह है, मतलब आजकल मैंने नोटिस किया, मैंने कि आपने भी नोटिस किया होगा, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। एंड किन के एक्सीडेंट्स होते हैं, ज्यादातर टीनएजर्स के। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, जो भी टीनएजर्स अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, टीनएजर्स ही नहीं, मतलब कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास चाहे कार हो या कोई सा भी टू व्हीलर हो, मेहरबानी करके अपने पेरेंट्स का सोच के हमेशा ये कोशिश किया करें कि आप नॉर्मल स्पीड से ड्राइविंग या राइडिंग करें। एंड मेक श्योर कि आप हेलमेट वगैरह लगा रहे हैं जब भी आप टू व्हीलर राइड कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज जितना आप खुद को सेफ रखोगे, क्योंकि हमारे घर वालों की हम पे बहुत ही ज्यादा उम्मीद होती है, खासकर एक लड़के पे। तो मेक श्योर अगर आपके पास फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, आप अच्छे से मतलब सेफली ड्राइव और राइड कर रहे हैं। तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे भी नक्शल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।